मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा पर चाक घाट में इन दिनों अफरा तफरी का माहौल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। उत्तर प्रदेश बिहार जाने वाले इन दिनों चाक घाट में फंसे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में शुरू हुई ये संख्या अब हजारों तक पहुंच गई है। अगर इस पर जल्द ही कोई कार्यवाही नहीं हुई तो सीमा पर कोई बड़ी विस्फोटक समस्या हो सकती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर रीवा जिले में रेड जोन से प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ यूपी और बिहार जाने वालों की जमा है। हम बात कर रहे हैं चाक घाट हनुमना की। बस और ट्रकों में क्षमता से अधिक मजदूर हर रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकी क्रॉसिंग बॉर्डर के पार नहीं हो पा रही है। अब तक 25,000 से ज्यादा प्रवासी बॉर्डर में आ चुके हैं, लेकिन सैंपलिंग सिर्फ 432 की ही हो पाई है। बॉर्डर का एरिया इस कदर भीड़ से भर गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर अब किसी को ख्याल ही नहीं रह गया। जी हाँ, रीवा मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर चाक घाट बॉर्डर में यूपी बिहार के श्रमिकों का क्रॉसिंग पॉइंट बन चुका है। हर रोज यहाँ 2,000 से 2,500 श्रमिक बस और ट्रकों से पहुंच रहे हैं। इसमें ज्यादातर रेड जोन महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद से आए हैं। यूपी में जाने की अनुमति नहीं मिलने से चाक घाट कस्बे में भारी भीड़ जमा हो गई है। ना तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही इनकी स्क्रीनिंग हो पा रही है। रीवा में अब तक 26,000 से अधिक लोग जिले के बाहर से आ चुके हैं, लेकिन सैंपलिंग की गिने चुने लोगों की हो पाई है। जिस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, माना जा सकता है अगर इसमें एक भी कोरोना पेशेंट पहुंच गया तो स्थिति ऐसी होगी कि फिर उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हम आपको बता दें, रीवा इस समय रेड जोन की तरफ धीरे धीरे ग्रीन जोन से होता हुआ बढ़ता नजर आ रहा है। जहां एक समय रीवा माना जा रहा था एक भी पेशेंट नहीं थे, आज वहां पर 4 पेशेंट है। पूरे विंध्य का यही हाल है, लगातार पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, वह भी उन लोगों से जो दूसरे प्रदेशों से जैसे महाराष्ट्र, गुजरात से यहाँ के लोग आए हुए हैं। इसलिए रीवा के लोग, खास तौर से बॉर्डर के लोग यह चाहते हैं इन लोगों को यहां से तत्काल हटाया जाए, उत्तर प्रदेश की सीमा में इनको ले जाया जाए, जिससे यहां पर एक सुकून भरा माहौल बनाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी बॉर्डर जो मतलब अपने रीवा जिले के बॉर्डर से, चाहे वो हनुमना बॉर्डर हो चाहे चाकघाट बॉर्डर हो, वहाँ पर टीम लगातार दिन रात बैठ करके उनके स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। ये सही है कि वहाँ पर महाराष्ट्र और तमाम अन्य राज्यों से आने वाले लोग यूपी में प्रवेश करने के लिए चाकघाट का रास्ते का उपयोग करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यदि वहाँ पर समय पर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा उनको अनुमति नहीं दी जाती तो उनको वहाँ पर भीड़ मतलब पब्लिक इकट्ठा हो जाती, जो काफ़ी संख्या में हो जाती। लेकिन हमारे द्वारा जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं या जांच करानी जाए, कराई जानी चाहिए, वो पूरी तरह से कराई जाती, उसमें किसी तरह की कोई कमी हम लोग नहीं रखते। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।